सब्सक्राइब कीजिए नेगा न्यूज को और बेल आइकन को दबाकर दुनिया भर की ताजा खबरें पाइए सबसे पहले। हेलमेट पहनकर गेंदबाज ने की बॉलिंग, बल्लेबाज नहीं खुद का डर बना वजह। क्रिकेट के मैदान पर गेंदबाजों के डर से बल्लेबाज हेलमेट पहनकर उतरते हैं। विकेटकीपर भी स्पिनर्स के आगे हेलमेट पहनकर विकेटकीपिंग करते हैं। इनके अलावा कई मौकों पर सिली पॉइंट या शॉर्ट लेग पर भी खिलाड़ी हेलमेट के साथ अपना बचाव करते दिखते हैं। लेकिन इस बार क्रिकेट के मैदान से एक अनोखी तस्वीर सामने आई है। जी हाँ, इस बार तेज गेंदबाज ने अपने बचाव के लिए हेलमेट का इस्तेमाल किया है। ये पूरा मामला न्यूजीलैंड के हेमलिटन में खेले जा रहे एक T20 मैच में देखा गया, जहां पर ओटागो के तेज गेंदबाज वारेन बर्न्स ने गेंदबाजी करते हुए हेलमेट पहना। दरअसल बर्न्स ने ये हेलमेट अपने गेंदबाजी एक्शन की वजह से नॉर्थन नाइट्स के बल्लेबाजों से खुद के बचाने के लिए पहना। इस हेलमेट को खुद तेज गेंदबाज और वुल्व्स के कोच रॉब वेल्टर ने मिलकर डिजाइन किया है। ये हेलमेट बेसबॉल के अंपायर्स और ट्रेक साइक्लिस्ट के जैसा दिखता है। वुल्व्स के कोच ने बताया कि बर्न्स गेंदबाजी करते वक्त गेंद को छोड़ने के बाद तुरंत नीचे झुक जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी सिर आगे की ओर आ जाता है, जो कि उनके लिए खतरा साबित हो सकता है, क्योंकि अगर कोई बल्लेबाज उस वक्त स्ट्रेट ड्राइव मारता तो उनके सिर में चोट लगने के आसार बढ़ सकते हैं। इस दुर्घटना से बचने के लिए इस गेंदबाज ने ये कदम उठाया। इसी मुकाबले में नॉर्थन नाइट्स की पारी के दौरान न्यूजीलैंड के टेस्ट तेज गेंदबाज नील वैगनर के पैर में तेज शॉट आकर लगा डॉट। ये पहला मौका नहीं है जब बर्न्स ने इस हेलमेट का इस्तेमाल किया है। इस मुकाबले से पहले वो एक बार और हेलमेट पहनकर गेंदबाजी कर चुके हैं, लेकिन हेलमेट पहनकर भी उनकी गेंदबाजी की धार में कोई कमी नहीं आई। उन्होंने हेलमेट पहनने के बावजूद विरोधी टीम के खिलाफ 35 रन देकर 3 विकेट चटकाए। हालांकि वो अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके और बीती रात उनकी टीम को 106 रनों से हार का सामना करना पड़ा। आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर और लाइक कमेंट करें, और ऐसे ही धमाकेदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूले। धन्यवाद।